बदलती जीवन शैली के कारण डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डायबिटीज होने का मतलब है खून में शुगर का बढ़ जाना। आपको बता दें कि शुगर हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगर शुगर लेवल बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है। ब्लड शुगर लेवल यदि जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसे कब लगाया जाए, एक दिन में इंसुलिन का इंजेक्शन कितनी बार लगाना चाहिए, इसे लगाने का सही तरीका क्या है ताकि आपको दर्द भी ना हो, और आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए जिसके बाद आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। डायबिटीज से ग्रसित कई लोगों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन उनके जीवन का जरूरी हिस्सा बन गया है। ये इंजेक्शन मरीजों को दिन में 2 से 3 बार लेना पड़ता है। ऐसे में बेवजह की तकलीफ से बचने के लिए इंजेक्शन इंजेक्ट करने के दौरान कुछ बुनियादी बातों पर गौर करना चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज बढ़ गई है और इंजेक्शन जरूरी है तो इसे लगाने की सही जगह जरूर जान लें। इंजेक्शन ऐसी जगह पर लगाएं जहां ज्यादा चर्बी मौजूद हो। इंसुलिन का इंजेक्शन खासतौर पर चमड़ी के नीचे फैट लेयर पर दिया जाता है। यदि ये इंजेक्शन गलती से भी मांसपेशियों में दे दिया तो ये जरूरत से ज्यादा जल्दी अवशोषित हो जाएगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है। कई बार देखा गया है कि डायबिटीज के मरीज पेट पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। यदि आप पहली बार इंसुलिन इंजेक्शन ले रहे हैं तो जाहिर है आपको शरीर पर एक ही जगह इंजेक्शन लगाना बेहतर लगेगा, जबकि इंजेक्शन देने की जगह हर समय बदलते रहना चाहिए। एक ही स्पॉट पर इंजेक्शन इंजेक्ट करने से सूजन, स्कार टिश्यू, गांठ या चमड़ी मोटी होने का खतरा बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह पेट के बाई ओर इंजेक्शन इंजेक्ट करें तो दोपहर में इसे दाई ओर लगाएं। रात के खाने में दाई जांग पर तो रात में सोते समय बाई ओर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करें। वहीं डायबिटीज के मरीज को इंजेक्शन लगाने के दौरान इसे होल्ड करने की टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। डॉक्टर्स की माने तो कम से कम 5 से 7 सेकंड तक सुई को त्वचा में दबाए रखना जरूरी होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसुलिन पूरी तरह से आपके शरीर में पहुंच चुका है। इंजेक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा आपको समय का ध्यान रखना होगा। मतलब ये है कि इंजेक्शन लेने का सही समय कौन सा है। इंजेक्शन तब काम करता है जब आपके मील और स्नैक्स से ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह में पहुंचने लगता है। इसलिए इंसुलिन की सुई खाने से 10-15 मिनट पहले लेनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपने इंजेक्शन ले लिया है तो आपको कुछ खाना बेहद ज़रूरी है, वरना शुगर डाउन भी जा सकती है। अगर आप इंजेक्शन लगाने की सही टेक्निक जान लें तो ये आपके दर्द को कम भी कर सकता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल कितना होना चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 120 के आसपास है या इसे क्रॉस कर गया है तब इस सिचुएशन में आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी अगर आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाने में कोई कठिनाई हो रही है तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।